السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق खलकल कल मिन अलक इकरा रबल अखरमीमसानलमआज नाजरन किराम वाक़ियात और इबरतें इस मौज़ू के तहत उसके जेली अनावीन आपके सामने आ रहे हैं उन्हीं में से आज एक इल्म की अहमियत फर्जियत, फजीलत और ज़रूरत इस मौजू से मुतालिक इन कुछ बातें आपके सामने रखूँगा अल्लाह तबारक ताला पहले मुझे हक़ कहने और उसके बाद मुझे भी और आपको भी हक़ पर अमल करने की तोफीक इनात फरमाए मोहतरम नाजर ने किराम इल्म एक ऐसी रोशनी है एक ऐसी हिदायत है एक ऐसा नूर है कि अगर वो नहीं है तो अंधेरा अंधेरा है तारीख़ी तारीख़ी है म्मत ही त है और दीन इस्लाम ने जहाँ इंसान को हलाल किया है आराम किया है जायज किया है नाजायज किया है अकीदा क्या है इबादत क्या हैं अखलाकियात क्या हैं मामलात क्या हैं मुख्तलिफ जिंदगी के तौर तरीक़े गुजारने का सलीका दिया है उन सब में सबसे पहले इंसान से जो बात की अल्लाह ताला ने, वो यही है कि इंसान इल्म हासिल करे, बगैर इल्म के इंसान अंधा है बगैर इल्म के इंसान बहरा है बग़ैर के इंसान गूँगा है और कोई आदमी गूंगा हो बहरा हो अंधा हो आप जानते हैं कि उसे कितनी कठिनाइयों से दुश्वारियों से गुजरना पड़ता है दीन इस्लाम ने जब बात की है इल्म की तो ये एहसास पैदा कराया और एहसास सिर्फ नहीं बल्कि दुनिया को यह बताया कि दुनिया में सबसे मुबारक और मुकद्दस जो किताब है जो कलाम है उसे कुरान मजीद कहा जाता है कुरान मजीद में बहुत कुछ अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है इंसान के सुधार और असलाह के लिए लेकिन ये देखने की बात और समझने की बात है कि उसने कुरान मजीद की इब्तिदा की तो लफ्ज़ इल्म से की सबसे पहली पांच आयात जो कुरान मजीद की इस दुनिया में आई हैं उनका ताल्लुक पढ़ने और लिखने से है आइए बुखारी शरीफ का वो वाकया अपने सामने रखते हैं कि अल्लाह के रसूल सा मक्का से दूरी पर एक पहाड़ी गार हिरा में जाते और वहाँ अल्लाह का ध्यान करते उसी में एक दिन अल्लाह के रसूल क्या देखते हैं कि इंसानी शक्ल में एक इंसान हाजिर है और आपसे कहता इकरा पढ़िए अल्लाह के रसूल ने फरमाया माना बिकारी मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ उसने दोबारा कहा इकरा आपने फिर जवाब दिया माना बिकारी अरे मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं उसने तिबारा कहा इकरा तो आपने फरमाया माना बिकारी मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसने बहुत तेजी से अपने सीने से मुझे लगाया और लगाने के बाद भींच दिया और मुझे ऐसा लगा कि कहीं उसके भीचने की वजह से मेरी जान ना निकल जाए तो उसने छोड़ दिया और छोड़ने के बाद उसने कहा इक्रबिसम रब्बिकल खलक खलक अलसान मिनल इकरबल अक्रमदी अल्लमिलकलमसान यालम ये पांच आयात हैं जो क़ुरान मजीद की सबसे पहले इस दुनिया में नाजिल हुई है नाजरीन कराम कि आप जानते हैं कि इन आयात में क्या अल्लाह ने फरमाया है इसमें नमाज का जिक्र नहीं है इसमें रोज़े का जिक्र नहीं है इसमें जक़ात का जिक्र नहीं है इसमें उम्र का और हज का जिक्र नहीं है सबसे पहले अल्लाह ताला ने कुरान की शक्ल में कलाम किया अपने बंदे से इंसान से तो फरमाया इकरा पढ़िए क्या ये मैं बात कहकर आगे ना गुजर जाऊं कि जो पढ़ा हुआ नहीं है जिसे हमारी जबान में अनपढ़ कहा जाता है उसने अल्लाह तबारक तला के पहले ही पैगाम को पहले ही फरमान को झुठला नहीं दिया ठुकरा नहीं दिया इसलिए हमें पढ़ना चाहिए और ये सोचना कि अब पढ़ने की उम्र कहां है अब तो जवानी भी गुजर गई कुरान मजीद नबी पाक चालीस साल के हैं इसके बाद नाजिल होना शुरू हुआ है अबू बकर सिद्दीक की उम्र क्या है उमर फारूक की उम्र क्या है साहबा पचास पचास साठ साठ सत्तर सत्तर साल के हैं जब इस्लाम कबूल किया और मुकम्मल कुरान उन्होंने याद कर लिया मुकम्मल कुरान का इल्म उनके अंदर आ गया तो ये बहाना चलेगा नहीं कि उम्र ज्यादा हो गई है अब तो पढ़ने की उम्र चली गई है नहीं, अल्लाह का पहला पैगाम इंसानियत के लिए है इकरा पढ़िए और उसमें एक शर्त लगाई अल्लाह ताला ने बस, इकरा तस्मिर खला जिसने पैदा किया है उसका नाम लेकर पढ़िए वो सारे ूम जो शैतानी ूम है जैसे जादू है टोना है जोतशी है नजूमी है काहिन है ये ूमूम नहीं सीखने दो फरिश्ते भेजे एक का नाम था एक महारूत वो बताते थे कि ये जादू जो है हम सिखाने आए हैं लेकिन तुम्हारी आदमाइश के लिए इसे मत सीखना सीखोगे तो काफिर बन जाओगे ये जितना भी जादू टोना हो रहा है और कहने के लिए हम कहते हैं कि ये हजरत तो तावीज गंडा कर रहे हैं सब जादू शैतानी इलम से ये सारा इलाज हो रहा है जिससे हमारा अकीदा फस्ट हो रहा है हमें इल्म हासिल करना है बस अल्लाह का नाम ना छूटने पाए और सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया इकरा वरबुक बिल कलम कलम से भी इल्म सीखिए कलम एक ऐसी चीज है आज भी जमाने की सबसे बड़ी ताकत है जितने भी हथियार दुनिया ने आज बनाए हैं सबका सानवी दर्जा है आकर फिर टेबल पर सुलह होती है और सुलह के बाद कलम आदमी के हाथ में आता है और फिर सुलह नाम पर वो साइन करता है बहुत बड़ी ताकत है कलम की मिलत को समझना चाहिए कौम को समझना चाहिए नाजरीन हमें समझना चाहिए कि कलम की कितनी बड़ी ताकत है और आज हमारा कलम कहां कहाँ कैसे कैसे टूट गया है या खो गया है ने यह एहसास दिलाया कि सबसे पहला अल्लाह तबारा ने अपना हुक्म और पैगाम इंसानियत को दिया तो वो पढ़ने का है और एक एहसास और जगाया कुरान के जरिए जगाया कि दुनिया में सबसे पहला इंसान जो अल्लाह ने पैदा किया जो हजरत आदम अलीसलाम है जब पैदा किया तो वाकया यह है फरिश्तों ने कहा अल्लाह तेरी तहमीद के लिए तेरी तखदीस के लिए तेरी बड़ाई के लिए तेरी किबराई के लिए तेरे सजदे के लिए हम ही काफी हैं क्यों दूसरी कोई और मखलूक बना रहा है जो दुनिया में खून खराबा करेगी फसाद करेगी झगड़ा करेगी अल्लाह ने फरमाया जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते वालमलकुल्ल मारादाह हाउलाई इनकुन तुम साद क्या हुआ अल्लाह ने सिखाया ये भी ये भी ये भी ये भी और उसके बाद फरिश्तों से कहा कि बताओ नहीं बता सके फरिश्ते और हते आदम से कहा तो आदम ने गिनाना शुरू कर दिया तो अल्लाह ने फरमाया जो मैं कह रहा था वो सही है ना जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानता हजरत आदम को फरिश्तों पर अल्लाह ने फजीलत दी इल्म की वजह से कुरान मजीद ने समझाने के लिए इल के तुक़ से फरमाया कुल हल यविल व लदीन ला यालमून दो लोग हैं एक तो वो जो पढ़े हुए हैं और दूसरे जो लोग पढ़े हुए नहीं हैं अल्ला फरमाता दोनों बराबर नहीं है दोनों का दर्जा बराबर नहीं है दोनों का मकाम बराबर नहीं है दोनों की हैसियत बराबर नहीं है अनपढ़ पढ़े लिखे का मुकाबला नहीं कर सकता और वैसे भी दुनियावी तौर पर अगर आप देखेंगे ना उससे अच्छा बोल सकता है न उससे अच्छी उसकी फिक्र हो सकती है इल्म के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल फरमाया, इल्मी फरीदतुन कुल ने फरमाया अला फरमायाबुल मुस्लिम हर मुसलमान पर इलम दीन का सीखना जरूरी है तो इल्म में हमें तवज्जो देनी चाहिए और हमारा जो माशरा और हमारी कौम और मिल्लत आज पीछे जा रही है हमें इल्म के तय ईमानदाराना जिंदगी गुजार कर अपने आप को मजबूत से मजबूत तर करना चाहिए कुरान मजीद ने जगह जगह और अल्लाह के रसूल ने इल्म की अहमियत और फजीलत बयान की है वो मौका नहीं है कि मैं उस तफसील में आपको ले जाऊं इल्म किस में ज्यादा है किस में कम है इसका भी आप अंदाजा नहीं कर सकते ये भी अल्लाह तबारक ने एक नबी को गैर नबी से मुआज़ना करके बता दिया अब सूर्य कहा पढ़िए आइए उन वाकयात की तरफ चलते हैं कि अल्लाह तबार को ने हजरत मूसा सलात से कहा कि हमारा एक बंदा है उसके पास जाओ हजरत मूसा सलात चल दिए बहुत तफसी वाक्य कुरान ने बयान किया है उसका बहुत मुख्तसर हिस्सा आपके सामने कि हजरत मूसा सलातम की मुलाकात खिजर अलीसलाम से हो गई जरत खिजर अलीसलातलाम ने कहा कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकते जो मैं काम आपके सामने करूंगा तुम उसमें सब्र नहीं कर पाओगे वादा किया मूसा सलात ने तो हजरत खजर सलातम ने साथ ले लिया और फिर चल दिए चले दरिया के इस हिस्से से उस पार जाना था बीच में कश्ती का इस्तेमाल किया कश्ती में बैठ गए कश्ती में बैठे तो उसने हजरत खजर अलैहिस्सलाम से कोई किराया नहीं लिया और जब उसे मालूम हुआ कि हजरत खजर के मेहमान हैं हजरत मूसा तो उनका भी किराया नहीं लिया चलते 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 रास्ते में जब करीब आ गया तो हजरत खजर ने क्या किया कश्ती में उसका तख्ता तोड़ दिया एक सुराख कर दिया नबी उसके सामने गलत काम हो रहा हो बर्दाश्त नहीं कर सकता हजरत मूसा मूसात ने कहा कि हमारे साथ इसने एहसान किया आपका किराया नहीं लिया और जब मालूम हुआ कि मैं आपका मेहमान हूं तो मेरा भी किराया नहीं लिया और आपने उसके साथ देखिए कौन सा जुल्म कर दिया है आपने उसकी कश्ती ऐबदार कर दी आपने उसमें सुराख कर दिया हजरत खजर अलीलातलाम तो ने कहा कि मैं कह रहा था कि तुम मेरे साथ सफर नहीं कर सकते सबर भी नहीं कर सकते वादा किया कि चलो एक मौका दीजिए इंशाल्लाह अब नहीं होगा हजरत खिजर सलातलाम ने लिया और फिर चल दिए अब दरिया के उस पार चले जा रहे हैं चलते चलते क्या देखते हैं एक छोटा सा बच्चा है खेल रहा है हजरत खिजर अलह सलातलाम ने उस बच्चे को पकड़ा और पकड़ने के बाद उसकी गर्दन मरोड़ दी मरोड़ी नहीं सिर्फ बल्कि उसको मार डाला और नबी के सामने किसी को नाक कत्ल कर दिया जाए नबी कैसे उसे बर्दाश्त करेगा फौरन हजरत अलैहिस्सलाम ने अपना एतराज दर्ज करा दिया कि आपने बच्चा है खेल रहा है कोई उसकी कमी हमने नहीं देखी कोई खामी नहीं देखी और आपने उसकी गर्दन के उसको मार डाला हजरत अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते ना तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा एक आखिरी मौका और दे दो अब अगर मैं सब्र नहीं कर सका या नहीं कर सकता तो मैं और तुम में जुदायगी हो जाएगी हजरत खजर ने इस शर्त के साथ उनको फिर साथ ले लिया और चलते गए ये चलते चलते थक गए हजरत मूसा अली मूसातलाम को भूख लगने लगी कहा भाई किसी से कहो ना खाने के लिए तो मेहमान बनाने से लोगों ने इनकार कर दिया हजरत खिजर अलीलातलाम आगे बढ़े देखा कि एक दीवार गिरी पड़ी है हजरत मूसा से कहा कि चलो इसे सीधा करते हैं सही करते हैं इसे बना देते हैं गारा वारा सही किया मिलाया और दीवार ईटे रख रख के उसको दुरुस्त कर दिया हजरत मूसा को लगा कि अब इसकी मजदूरी मिलेगी उसी से खाना खा लेंगे हजरत खिजर चल दिए तो हजरत मूसा ने कहा अजीब आदमी हो ऐसी बस्ती में आए हैं कि को कोई मेहमान बनाने के लिए तैयार नहीं है कोई खाना खिलाने के लिए तैयार नहीं है थोड़ा सा काम भी किया तो उसकी भी मजदूरी नहीं ली तुमने उसी से खाना खा लेते तो हजरत खजर ने कहा कि जो वादा था वो पूरा हो गया और वो ये है कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते अब तुम्हारे और मेरे बीच में जुदाई लेकिन जाने से पहले कि जिस पर तुम सब्र नहीं कर सके वो जरूर मैं तुम्हें बताऊंगा कहा बताओ कहा फला जगह हम कश्ती पर सवार हुए उस कश्ती वाले ने मेरा किराया नहीं लिया तुम्हारा भी किराया नहीं लिया एहसान किया ना हम पर कि हां मुझे भी एहसान करना चाहिए था कि उसके साथ कि हाँ बिल्कुल करना चाहिए थे लेकिन आपने किया कहा आपने तो उसकी कश्ती ऐबदार कर डाली कहा हमारा सफर जहां था वहां हम उतर गए लेकिन उस कश्ती को बहुत दूर जाना था और जहां जाना था आखिरी मंजिल वहां ऐलान हुआ है कि अगर कोई भी कश्ती सही सलामत आए तो उसको छीन लिया जाए तो मैंने इसकी कश्ती को ऐबदार कर दिया कि इसने एहसान किया है कि कल जब ये वहां पहुंचेगा और पहुंचने के बाद इसकी कश्ती चेक होगी तो कहा जाएगा कि इसकी तो ऐबदार है टूटी हुई है तो इसे वापस कर दी जाएगी तब इसे महसूस होगा कि इसके साथ भी किसी ने एहसान कर दिया तो ये तुमने बहुत अच्छा किया का इसी पर तो तुम सब्र नहीं कर सके इसका तुम्हें इलम नहीं था ना उतना इल्म तुम्हारा वसी नहीं था यहां का दूसरी बात हम कश्ती से उतरे और चलने लगे तुमने देखा एक बच्चा खेल रहा है मैंने उसकी गर्दन मरोड़ दी उसके वालदेन बहुत नेक हैं, बहुत ही भले इंसान हैं। अगर यह ऐसी बढ़ता रहता बच्चा तो आगे चलकर अपने वालदेन का बड़ा नाफरमान हो जाता ना शुक्रा हो जाता तो इसलिए मैंने बचपने ही में उसकी गर्दन मरोड़ के मार दिया कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसरी यह तो तुमने वाकई सही किया तुमने तो सब्र नहीं किया उस पर और सब्र ना करने की वजह कि तुम्हें उसका मुकम्मल इल्म नहीं था जो अल्लाह ने मुझे दिया हुआ है और जो हमने दीवार दुरुस्त की और उसकी मजदूरी नहीं ली उसकी वजह यह है कि वो दीवार जिसकी है वो आदमी मर गया है इंतकाल कर गया है और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं मरने से पहले अपने बच्चों को बताकर गया है कि इसके नीचे सारा माल दबा हुआ है दीवार गिर गई थी अब आहिस्ता आहिस्ता बुनियाद हिलने लगती तो इससे पहले की बुनियाद निकलती इससे पहले के खजाना दिखता लोग लूट कर ले जाते मैंने दोबारा दीवार सीधी कर दी है और अब ये जवान होंगे बड़े होंगे ताकतवर होंगे जब ये महसूस करेंगे कि वो हिफाजत कर सकते हैं अपने माल की तो अपनी दीवार निकाल लेंगे और अपना माल महफूज तरीके से वहां से निकाल ले जाएंगे ये कुरान ने वाकया बयान किया है एक नबी हजरत मूसात और मुकाबले पे हजरत खजर हैं लेकिन इल्म देखिए यहां हजरत खजर का अल्लाह ने कितना बढ़ा दिया इल्म अल्लाह किसका कितना बढ़ाता है और इल्म अल्लाह ताला किसे कितना नवाजता है इसका तस्वुर नहीं कर सकते हम लोगों के जहनों में था और जहन में आते 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 ये फितना भी आ गया कि अरे इमाम बुखारी इमाम बुखारी इमाम बुखारी हर चीज में बड़ा मुहदस बड़ा मुहदस बड़ा मुहद्दस बगदाद ने एक दिन इम्तिहान ले लिया बुलाया सो हदीसें निकाली और निकालने के बाद बड़े दस आलिम पकड़े हर एक को दस दस हदीसें दी गई और इसकी सनद इसके मतन के साथ इसका मतन इसकी सनद के साथ इसका रावी आगे से पीछे उसमें पीछे से आगे कर करके सारी हदीसे खलतमल कर डाली और हदते इमाम बुखारी को बुलाया गया जब बैठे तो एक आलिम खड़ा हुआ और उसने एक हदीस पेश की हदतें इमाम बुखारी ने सुनने का वाका ला आरिफू इस हदीस को मैं जानता ही नहीं ऐसी इसने दस की दस अपनी हदी पेश की इमाम बुखारी ने कहा ला आरिफ दूसरा खड़ा हुआ तीसरा ऐसी दस की दस खड़े हुए और उन सब ने अपनी हदी पेश की इमाम बुखारी का एक ही जवाब था ला आरिफ इसके बारे में जानते नहीं लोगों को ताजुब हुआ बहुत कम लोग थे जो वो बहुत परख रखते थे उन्हें मालूम था कि इमाम बुखारी क्या बोल रहे हैं लेकिन अक्सरियत इस्तेदा में लगी उनको लगा कि आज पता चलेगा कहते हैं कि इसको लाखों हदी से याद है ये सो हदीसों में ही खेल रहा है जब वो सो के सो हदीसें सामने आ गई तो फिर पहले आदमी को बुलाया और कहा कि पहली हदीस ये थी ना जो तुमने बयान की है वो ऐसे नहीं ऐसे ऐसे नहीं ऐसा सनद ऐसे है सनद ये है तुमने ये आगे कर दिया ये पीछे कर दिया फला का मतन मिला दिया ऐसी सो की सो हदीस इमाम बुखारी ने उसी मजलिस में ना उनके पास कलम है ना उनके पास कागज है सब अल्लाह ने उनके सीने में ऐसा लिखा हुआ था कि एक एक वाजे करके बता दिया कि अशश होटी पूरी महफिल पूरा मजमा इमाम बुखारी का इल्म था और एक बात आखिरी ये बताऊं कि ये एक बहुत बड़ी बुराई चली है कि कोई सवाल करे तो समझते हैं कि सामने वाला जवाब दे वो भी समझ रहा नहीं दूंगा तो लोग कहेंगे जाहिल आदमी है इमाम मालिक के बारे में आता है कि उनसे 48 सवाल किए गए 48 में 32 में लफ्ज इस्तेमाल किया लादरी मैं नहीं जानता साहिल सवाल करता इमाम मालिक कहते लादरी वो सवाल करता इमाम मालिक कहते लादरी मैं नहीं जानता हुआ लोगों को पूछा उनसे लोगों ने कहा जब नहीं जानता मैं तो क्या बताऊं? ये जानना लादरी जो एक्सपर्ट है इलम के वो कहते हैं कि ये आधा इलम है कम से कम उसको ये इलम तो है कि ये बात मुझे मालूम नहीं है आज जो दीन के ताल्लुक से बातें गलत फैल रही है उनकी बहुत सारी वजुहत में एक वजह यह भी है कि इलम तो उसके पास नहीं है लेकिन अपनी तरफ से दो बातें आगे पीछे मिलाकर ऐसी ऐसी बातें वो शामिल करके लोगों के सामने पेश करते हैं कि दीन वन थर्ड रह जाता है और टू थर्ड जो है उसमें मिलावट के साथ दीन पेश किया जा रहा है इस ताल्लुक से इल्म बढ़ना चाहिए जानकारी बढ़नी चाहिए और इल्म मजबूत होना चाहिए और खास तौर पर शरीयत इस्लामिया के ताल्लुक से इल्म के अंदर पुख्तगी आनी चाहिए मैंने यह मौजू इसलिए चुना था कि आज मुसलमान इल्म के बाब में निहायत कमजोर होता जा रहा है पढ़ने लिखने में आज हमारा माशरा नहायत कमजोरी की तरफ जा रहा है मेरे भाइयों दुनिया कमंदे डाल रही है आज लोग आफाकी बातें कर रहे हैं आज लोग और सूरज की बातें कर रहे हैं ऐसे में अगर हम अनपढ़ रहेंगे तो हम किसी भी तरह से कहीं भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे इसलिए इल्म मजबूत इल्म हासिल करने की हम कोशिश करें अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म के जेवर से आरास्ता करे और इल्म का जितना भी फायदा है हम उसको हासिल कर सकें और दुनिया को बता सकें कि इस्लाम इल्म की अहमियत को सिर्फ बयान नहीं करता बल्कि मुसलमान इल्म के जेवर से हमेशा लेस रहता है और इल्म ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को हर वक्त हर जमाने में इज़्ज़त दिलाती है उसको कुव्वत दिलाती है उसको ताकत दिलाती है मुझे उम्मीद है कि हम कहीं भी किसी गोशा में इल्म के कमज़ोर हैं तो उस कमज़ोरी को हम बदलेंगे और अपने अंदर इल्म की जितनी भी खूबियाँ हैं पैदा करेंगे अल्लाह ताला हमें उसकी तौफीक इनायत फरमाए आमीन व आखिर दावाना आलमीन रबी वालेकुम व वक ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें